हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे इस टेक्निकल मेहताब यूट्यूब चैनल में, और मैं हूं आपका दोस्त मेहताब आलम। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में, कि क्वांटम कंप्यूटर्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, और सबसे अहम सवाल ये कि क्या सुपर कंप्यूटर से भी बहुत ज्यादा तेज होते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स, क्या क्वांटम कंप्यूटर से एलियन का पता लगाया जा सकता है या नहीं, तो जानेंगे हम इसी वीडियो में। फ्रेंड्स, आप घबराएं नहीं, क्योंकि मैं आपको एकदम आसान से भी आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, तभी आपको समझ आएगा। तो बिना वक्त जाया किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, गूगल ने ये दावा किया है कि 10,000 साल के काम को 200 सेकंड में करेगा उनका ये नया प्रोसेसर। तो पहले हम प्रोसेसर के बारे में अच्छे से जान लेते हैं, ताकि आपको क्वांटम कंप्यूटर्स को समझने में और भी ज्यादा आसानी होगी। तो चलिए जानते हैं कि प्रोसेसर क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। प्रोसेसर को आप यूं समझ सकते हैं कि ये एक प्रकार की चिप होती है जो हमारे स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप या कंप्यूटर में लगी होती है, और ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से काम करता है। मतलब ये कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच होने वाली सारी गतिविधियों को समझता है। जैसे मान लीजिए हमने कीबोर्ड से कोई इंस्ट्रक्शन दी, और उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेसर की मदद से ही प्रोसेस हो पाता है। इसलिए प्रोसेसर कंप्यूटर का दिमाग माना जाता है। आप यूं कह सकते हैं कि स्मार्टफोन का भी, क्योंकि स्मार्टफोन और कंप्यूटर दोनों में प्रोसेसर लगे होते हैं। अगर हम इन दोनों में से प्रोसेसर को निकाल देते हैं तो ये दोनों डिवाइस कोई काम का नहीं रहेगा। जैसे इंसान के पास दिमाग होता है, और इस दिमाग को किसी भी तरीके से निकाल दिया जाए तो इंसान कोई काम का नहीं रहेगा, ना ही वो कुछ सोच सकता है और ना ही वो कुछ कर सकता है। ठीक उसी तरह प्रोसेसर के साथ भी यही चीज लागू होती है। अगर कंप्यूटर से प्रोसेसर को निकाल दिया जाए तो कंप्यूटर कोई काम का नहीं रहेगा। दोस्तों, एक होता है सीसी और दूसरा होता है क्यूसी। सीसी यानी क्लासिक कंप्यूटर, वो कंप्यूटर जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर हम नॉर्मली घर पे इस्तेमाल करते हैं। क्यूसी यानी क्वांटम कंप्यूटर। ये क्वांटम कंप्यूटर क्लासिक कंप्यूटर से क्या डिफरेंट है, इसमें क्या खास बात है, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम क्लासिक कंप्यूटर के बारे में समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। क्लासिक कंप्यूटर में जो डेटा होता है वो जीरो या वन के फॉर्मेट में होता है। जीरो होगा या फिर वन होगा। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा को नहीं समझता है। अंग्रेजी भाषा में जितने भी अक्षर होते हैं ए से लेकर जेड तक, इन अक्षरों को कंप्यूटर नहीं समझता है, वो सिर्फ बाइनरी नंबर को समझता है। इसलिए इसे बाइनरी कंप्यूटर भी कहा जाता है। बाइनरी नंबर जीरो एंड वन के फॉर्मेट में होता है, इसे हम बिट्स कहते हैं। कंप्यूटर इसी बिट से समझता है कि कौन सा डेटा जा रहा है और कौन सा डेटा आ रहा है। क्लासिक कंप्यूटर में बाइनरी नंबर 0 एंड 1 की 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जैसे 01, 10, 00, 11। ये एक ही चीज समझती है, 0 या फिर 1। इसी से प्रोसेसिंग होती है। मैं आपको और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। कंप्यूटर में बिट्स इंफॉर्मेशन की सबसे बेसिक यूनिट होती है। जैसे मान लीजिए एक स्विच है, स्विच या तो ऑन होगा या फिर ऑफ होगा। स्विच को अगर हम एक बार दबाते हैं तो ऑफ होगा यानी जीरो, अगर हम फिर से दबाते हैं तो ऑन होगा यानी वन, जीरो या फिर वन। जैसा कि मैंने बताया कि कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा नहीं समझता है, लेकिन आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा नहीं समझता है तो जब हम नोटपैड पे ए लिखते हैं तो ए क्यों दिखता है। दरअसल होता ये है कि जब आप कंप्यूटर पे ए टाइप करते हैं तो कंप्यूटर ए नहीं समझता है, बल्कि ए को 01100001 पढ़ता है। आपको बता दें कि पूरी दुनिया का जो डेटा है वो वन और जीरो के फॉर्मेट में ही है। अब हम बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटर की। तो क्वांटम कंप्यूटर क्लासिक कंप्यूटर से काफी अलग होते हैं। क्लासिक कंप्यूटर में बिट होते हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में क्यूबिट होते हैं। क्यूबिट यानी क्वांटम बिट, इसे आप बिट का नेक्स्ट वर्जन कह सकते हैं। मैं आपको और इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज दैट बिट एक कॉइन की तरह है। जब हम कॉइन को उछालते हैं तब हेड या टेल आता है। यहाँ पर हम मान कर चलते हैं टेल आता है तो जीरो और हेड आता है तो वन, और क्यूबिट को हम फुटबॉल मान लेते हैं। अब जरा गौर करें, कॉइन के सिर्फ दो साइड हैं, हेड
और टेल यानी जीरो और वन। लेकिन फुटबॉल की बहुत सारी साइट्स होती है, तो इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि क्लासिक कंप्यूटर में जो डेटा होता है वो जीरो एंड वन के फॉर्मेट में होता है, या तो जीरो होगा या वन होगा। लेकिन क्यूबिट में जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, और जीरो वन दोनों हो सकते हैं। मतलब इसकी पॉसिबिलिटीज जो है वो डबल है क्लासिक कंप्यूटर के कंपैरिजन में। क्वांटम कंप्यूटर्स एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं। आपके नॉर्मल कंप्यूटर और गूगल के क्वांटम कंप्यूटर के कंपैरिजन में कई लाख गुना ज्यादा तेज है। आपको बता दें कि इंटेल और आईबीएम जैसी कुछ कंपनीज हैं जो क्वांटम कंप्यूटर बनाने में लगी हुई हैं। अगर हम क्वांटम सुपरमेसी की बात करें तो 23 अक्टूबर 2019 को गूगल ने क्वांटम कंप्यूटिंग चिप डेवलप की है। उन्होंने इस चिप को क्वांटम सुपरमेसी नाम दिया है। गूगल ने कहा है कि सुपर कंप्यूटर जिस काम को करने में 10,000 साल लेता है, उसी काम को करने में ये चिप 200 सेकंड में कर दिया है, यानी 3 मिनट 20 सेकंड में। गूगल ने एक प्रयोग के जरिए दिखाया है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को क्वांटम कंप्यूटर कितनी तेजी से सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रयोग के लिए एक प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है जिसका नाम है साइकामोर, जो कि 54 क्यूबिट का है। गूगल ने कहा है कि ये माइलस्टोन अचीव करने के लिए कंपनी कड़ी मेहनत की है और लगभग 2 दशक के बाद ये सफलता मिली है। शायद आपको पता नहीं होगा कि साइंटिस्ट इस पर 1980 से काम कर रहे थे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी भी लैंग्वेज हो सकती है? आपको बता दें कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट है। ये क्वांटम कंप्यूटर की मदद से ही इसे डिकोड किया जा सकता है, क्योंकि ये इनक्रिप्टेड होते हैं, लॉक्ड होते हैं। दुनिया में बहुत सारे लैंग्वेजेस होते हैं, उसे समझना लगभग नामुमकिन है। क्वांटम कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ही उसे समझा जा सकता है। आपको बता दें कि क्वांटम कंप्यूटर की मदद से एलियन का पता लगाया जा सकता है। दोस्तों, एलियन से याद आया कि एलियन के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, और हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी। अगर अभी तक आपने इन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने के बाद इन दोनों वीडियोस को जरूर देखें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। खैर, अब हम उसी टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटर की मदद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और इम्प्रूव किया जा सकता है। तरह तरह के रोबोट्स बनाए जा सकते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपके घर में जो कंप्यूटर है वो क्लासिक कंप्यूटर है। उसमें जो डेटा होता है जीरो या वन के फॉर्मेट में होता है, जीरो होगा या फिर वन होगा। और क्वांटम कंप्यूटर में जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, या फिर जीरो वन दोनों हो सकते हैं। इसमें डबल पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इसीलिए क्वांटम कंप्यूटर क्लासिक कंप्यूटर के कंपैरिजन में कई लाख गुना ज्यादा तेज है। सच कहूं तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्रांति ला सकती है। लेकिन डर इस बात का है कि अगर किसी दूसरे देश ने क्वांटम कंप्यूटर को पहले बना लिया तो इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है, जैसे हमारे सिक्योरिटी सिस्टम को एक झटके में क्रैक कर सकता है और बहुत कम समय में पूरे देश का शेयर मार्केट बैठा सकता है, पावर प्लांट बंद कर सकता है और ट्रैफिक सिग्नल गड़बड़ा सकता है। तो दोस्तों, आप क्वांटम कंप्यूटर के बारे में क्या कहना चाहते हैं और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट जानने का इंतजार रहेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो दिल से पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं, हमेशा यूनिक वीडियो चाहते हैं, तो हमारे इस टेक्निकल मेहताब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, जो भी जान पहचान के लोग हैं उन्हें ये शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।